अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन समोसा। आपने आलू समोसा तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन आप एक बार चिकन समोसा भी ट्राई कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनता है। दोस्तों इसकी रेसिपी बहुत ही इजी और क्विकली बन जाती है, तो इस रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता ही है। तो दोस्तों वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सूर्य किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चिकन समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल, जिसमें हम 3 कटोरी मैदे को ढाल देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, जिसे हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद इसे भी ढाल देंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। इसको हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बहुत अच्छा डो रेडी कर लेंगे। हमारा डो बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अब इसे 15 मिनट के लिए ढक के अलग जगह रख देंगे। अब इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। दोस्तों एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ढाल के ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें जीरा ऐड कर देंगे और जीरे को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। भून जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। हल्का सा प्याज भून जाने के बाद इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें 300 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे। हमने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है दोस्तों। अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे दोस्तों। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 150 ग्राम मटर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल जले ना और चिकन भी हमारा पक जाए। अब हम इसमें 50 ग्राम बादाम ऐड कर देंगे दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हमारे हो गए हैं दोस्तों। मैं ढक्कन को खोल के देख लूंगी, हमारा जो पानी है बिल्कुल सूख चुका है। इसको एक बार अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब हम एक बड़े साइज के आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें ढाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर से इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे ढक्कन लगा के। 5 मिनट हमारे हो गए हैं, मैं ढक्कन को खोल के देख लूंगी। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब इसको चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको चम्मच से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दोस्तों हमारी स्टफिंग बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के रख देंगे। 15 मिनट हमारे डो को हो चुके हैं। अब इसको खोल के देख लेंगे। खोलने के बाद इसे हाथों से अच्छी तरीके से एक बार मसल देंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब हम एक बॉल ले लेंगे और उसके ऊपर से मैदा लगा के इसको बेल लेंगे। जैसे आप लोग रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। अब इसको बीच में से कट कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब इसके एक भाग को ले लेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। अब इसको इस तरीके से दबा देंगे, ताकि तलते वक्त ये खुले ना। अब इस होल में 2 चम्मच स्टफिंग ढाल देंगे। अब इसको इस तरीके से मोड़ देंगे और ये समोसे के शेप में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। समोसा हमारा बनके रेडी हो चुका है, बस इसको तलना बाकी है। अब हम दोस्तों गरम ऑयल में एक एक करके समोसे को ढाल देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपका ऑयल एकदम गरम होना चाहिए। अब इसको उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन रंग आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों गोल्डन ब्राउन रंग आ चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा समोसा कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है। अब हम बाकी समोसे को भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसमें भी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब इसको भी निकाल लेंगे। तो देखा ना आपने दोस्तों, घर पे समोसा बनाना कितना इजी है। बाहर का समोसा क्यों है खाना, जब घर पे बनाना हो इतना आसान, वो भी चिकन समोसा जो इजीली बन जाता है। तो
इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद ये रेसिपी आपको और आपके परिवार वालों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें और दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।